हेलो दोस्तों, मैं हूँ निखिल नाई और आप जानते हैं मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ आपके लिए। और आपने टाइटल तो पढ़ लिया, कौन से विषय पे है मेरा वीडियो, ए पार्ट टू है हमारी गलतियाँ पार्ट टू। आज हम बात करने वाले हैं वकंडा फॉरएवर मूवी के बारे में। हाँ जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर किसने क्या गलती की, क्यों की, कहाँ पे की, कैसे की, हम उस गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। हम दोनों लोगों की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तलोकन में रहने वाले नेमोर के बारे में और वकंडा में रहने वाले इन वकांडियन वासियों के बारे में बात करने वाले हैं। इन लोगों ने क्या गलती की। तो पहले हम बात करते हैं हरी चड्डी वाले इंसान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो हरा है, हरी चड्डी पहनता है। जी हाँ दोस्तों, नेमोर। तो नेमोर कौन है? वो तलोकन का राजा है, किंग है नेमोर। पानी में रहने वाला, समुद्र का राजा बोलते हैं, हम बोल सकते हैं। उसके पास क्या, उसके पास बहुत बड़ी फौज है, उसका घर है और क्या है, वाइब्रेनियम है। लेकिन हम बात करने वाले गलतियों के बारे में। तो देखो, उसने क्या गलती की, क्यों की, कहाँ पे की। देखो, हम शुरुआत से देखते हैं मूवी में। वो आता है और जो लोग वाइब्रेनियम ढूंढ रहे हैं समुद्र के अंदर, उन लोगों को मार देता है। तो ये सबसे उसकी पहली गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी उसकी, जो उन लोगों को मार देता है, इंसान को मार देता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान आते हैं, बड़ी सी मशीन लेके आते हैं जो वाइब्रेनियम ढूंढ सकती है। वो मशीन लेके आते हैं समुद्र में और वो वाइब्रेनियम ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनको मिलता भी है वाइब्रेनियम। लेकिन ये जो नेमोर है, क्या गलती करते हैं नेमोर, सबसे बड़ी गलती ये है कि उसका कम्युनिकेशन नहीं था, अच्छी दोस्ती नहीं थी। वो समुद्र में रहता था लेकिन समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं, मछलियां होती, उनसे उन्होंने कभी दोस्ती भी नहीं की और उनसे कभी काम भी नहीं करवाया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। कैसे? देखो, वो चाहता है कि दुनिया को उसके बारे में पता ना चले, कौन है वो, क्यों है, समुद्र में रहता है, क्या उसकी ताकत है। और वो एक तरह से बोलूं तो वो डरपोक इंसान था, इंसान नहीं बोल सकते, वो पानी में रहने वाला इंसान ही बोल सकते हैं। वैसे जो भी बोलना है आप कह सकते हो, कमेंट में भी आप लिख सकते हो। तो वो पानी में रहने वाला इंसान था, है वो भी बोल सकते हैं हम। तो देखो, वो ये नहीं चाहता कि लोग पानी में वाइब्रेनियम ढूंढे, यानी कि दुनिया वाले पानी में वाइब्रेनियम ढूंढे और उसके बारे में सबको पता चले। और वो क्या करता है, वो उन लोगों को मारने के लिए चला जाता है। यही ये उसकी गलती है। अगर वो चाहता तो वो बड़ी मछली को भेज के, यानी कि बड़ी मछली यानी कि वेल को भेज सकते, वो मशीन को भी तोड़ सकता था और वो इंसानों को मार सकता था। या फिर वो उसकी नाव है जो सीप है बड़ी, उसको डुबा सकता था वो मछली के द्वारा। लेकिन वो उसने यह नहीं किया, वो खुद गया अपनी सेना लेके और उन सबको मार डाला और वो मशीन भी उसने ले ली। जरा सोचो, अगर उस मशीन के अंदर चिप होती, जीपीएस ट्रैकर होता तो इंसान उसे ढूंढ लेते, लेकिन नहीं, वो लेके चला गया। हाँ, मछलियों से अपना काम करा सकता, दुनिया को लगता कि ये जो काम है वह मछलियों ने किया और दुनिया को पहले ये शक था कि ये काम वकांडा वाले कर सकते, लेकिन नहीं, वकांडा वालों ने नहीं किया। वकांडा वालों ने हाथ ऊपर कर दिया, नहीं भाई हमने काम नहीं किया। दूसरी गलती नेमोर ने क्या की कि वो मदद के लिए जाता है वकांडा वालों के पास, वकांडियन वासियों के पास मदद के लिए जाता है कि तुम मुझे ये लो मशीन लो और मुझे ये जो मशीन बनाने वाला है साइंटिस्ट, वो मुझे लाके दे दो। और उसने क्या गलती की कि मदद मांगी और धमकी भी दी कि तुम लोग मेरी मदद करो, मदद नहीं करते तो मैं तुम लोगों का नाश कर दूंगा, तुम लोगों से युद्ध छेड़ दूंगा और पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ दूंगा और मैं ही राज करूंगा दुनिया पे। यही उसने दूसरी गलती की। अरे भाई, तुम मदद के लिए जाते हो तो क्यों दुश्मनी बढ़ाते हो यार, ऐसे धमकी देना जरूरी है क्या? नेमोर को साइंटिस्ट चाहिए था जिसने मशीन बनाई और वो साइंटिस्ट को मानना चाहता था। क्यों? क्योंकि कोई इंसान ऐसी मशीन नहीं बना सके और वो वाइब्रेनियम ढूंढने के लिए समुद्र में ना आए। अरे जरा सोचो यार, इंसान चांद तक पहुंच गया, मार्स तक पहुंच गया, वो आसमान में उड़ना चाहता है तो फिर पानी में क्यों आएगा? जरा सोचो, इतने साल हो गए इंसानों पानी में रहने के लिए क्या घर बनाए, कभी हाँ दो तीन घर बनाए होंगे पानी में रहने के लिए, लेकिन वो पानी में क्यों आएगा? लेकिन नेमोर को यह डर था कि वो पानी में आएंगे और उनको तलोकन के बारे में पता चल जाएगा, हमारे साम्राज्य, हमारे जो लोग रहते हैं उनके बारे में इंसानों को पता चल जाएगा और वो हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। इस बात से नेमोर डरता था। एक्चुअली नेमोर पागल है, उसके जो सभी लोग हैं तलोकन वासी सभी पागल है, बस उनको मरने मारने की बात ही आती है और कुछ आता ही नहीं है। थोड़ा सा उपला मार भी सब खाली उन सब लोगों का। वो आता है वकांडा मदद मांगने के लिए और धमकी भी देता है, तुम मेरी मदद करो, आप लोग हमारी मदद करो और नहीं करते तो हम आपसे दुश्मनी कर लेंगे। अरे भाई, क्यों ऐसा करते हो? चलो अब बात करते हैं
वकांडियन वासियों की गलती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वकांडियन वासियों ने क्या गलती की? ब्लैक पैंथर की मम्मी जी, जी हाँ मम्मी जी, मम्मी जी ने भी ये गलती की। वो नेमोर मम्मी जी के पास आता है, मदद मांगता है और मम्मी जी सबको बुलाती है, इकट्ठा करती है वो तंबाकू, वो कुंबाकू जो भी है वो हु बसने वाला, और मम्मी जी सबको बुलाती है और सबको इकट्ठा करते कहती है कि देखो हमें क्या करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि मारना चाहिए, हमें जंग छेड़ देनी चाहिए, यार हमें डरना नहीं चाहिए, हम वकांडियन वासी है, हम किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। ये उनकी गलती होती है भाई। यार देखो, हम जिसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कौन है वो, क्यों है, कहाँ से आया है, क्या चीज है वो, हम जानते नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, तो फिर हम दुश्मनी क्यों मोड़ दें उनसे। ब्लैक पैंथर की मम्मी जी यही गलती कर देती है, वो उनको मरने मारने की बात करती है कि चलो हाँ उनसे जंग छेड़ देंगे। यही तो मम्मी जी की गलती है, यानी कि ब्लैक पैंथर की मम्मी जी की। फिर क्या होता है, फिर सूरी जाती है वो साइंटिस्ट को लेने, साइंटिस्ट को लेके आती है और रास्ते में नेमोर उसको अपने घर ले जाता है, साइंटिस्ट को और सूरी को भी, दोनों को। और यहाँ गलती हमें फिर से दिखाई देती है कि सूरी को लेने के लिए, बचाने के लिए वो ब्लैक पैंथर की वाइफ आती है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक पैंथर की वाइफ नाकिया, हाँ आप तो पहचानते होंगे जिसका, और हाँ ब्लैक पैंथर का बच्चा भी है। देखो ब्लैक पैंथर की बात करूँ तो ब्लैक पैंथर मुझे एक बात पसंद आई, उसने अपनी फैमिली बनाई और उसको इन सबसे दूर रखा। मैं आपको हर बार हर वीडियो में यही बोलूंगा और यही समझाऊंगा कि जो भी कुछ हो पहले अपनी फैमिली को बचाओ, फिर बाद में पूरी दुनिया को बचाना। या दोस्तों अगर फैमिली चली गई तो फिर बाद में रोना धोना, हम रोते खाते पीते सब किसके लिए, क्यों करते, फैमिली के लिए तो करते हैं ना। कि आई समुद्र के अंदर और वो सूरी को और वो साइंटिस्ट को ले जाती है। देखो मैं आपको पहले भी आगे बताया कि उसने गलती की कि नो दोस्ती नो कम्युनिकेशन, किसके साथ, मछलियों के साथ। अरे तुम जहां रहते हो वहां उन लोगों के साथ दोस्ती तो करनी चाहिए, उन्होंने कभी मछलियों के साथ दोस्ती नहीं की, बस सिर्फ उनको चार पहियों वाली गाड़ी होती है ऐसे इस्तेमाल किया घूमने के लिए। हाँ अगर जरा सोचो, नाकिया वो समुद्र के अंदर आई तो छोटी मछलियों सबको सिग्नल देके बता तो सकती थी कि भाई हमारे समुद्र के अंदर कोई आए, घुसपैठ ही आ गया है, हाँ बता सकती थी, बहुत सारे तो जीव थे पानी के अंदर। देखा, अही नेमोर की गलती है, नो दोस्ती नो कम्युनिकेशन, और अही उनको मार दिया, और यही चीज हमें मारती है, परेशान करती है। जी नहीं, यदि बहुत कुछ होता है यार हमारी लाइफ में तो फिर क्या होता है, वो नाकिया आती है, वो उसकी बेटी को भी मार देती है, फिर क्या करते हैं, नेमोर हल्ला बोलने चला जाता है, लड़ाई करने जाता है, क्या मतलब है इन सब का यार, बोलो। बस सही आगे होता है कि दोनों की फाइट होती है वकांडा में, मम्मी जी मर जाती है पाने में, और जो सूर्य होती है वो जड़ी बूटी पी के वो ब्लैक पैंथर बन जाती है। और हाँ आपने ब्लैक पैंथर में देखा होगा इस मूवी में कि जब वो जड़ी बूटी पीती है तब वो अपने कजिन से मिलती है। जी हाँ दोस्त, क्यों मिलती है, क्या उसकी सोच थी, तो वो भी आप। और हाँ ये जो वीडियो है हमारी गलतियां ए पार्ट टू है, और इस वीडियो में हमने जाना कि तलोकन वासियों ने क्या गलती की, नेमोर ने क्या गलती की, और वकांडियन वासियों ने क्या गलती की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या ना आए, समझ में आए या ना आए, फिर भी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप नए हो या फिर पुराने हो और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका फ्यूचर बदलता है और बदलेगा 100% बात श्योर है। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, हो या ना हो, जो भी हो, कमेंट में कुछ लिखो भाई, जिससे मुझे पता चले कि कुछ तो लोचा लापसी है इस दुनिया में। और हाँ ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कितनी बार बोलूँ मैं। और क्या बोलना था मुझे, कुछ बोलना था क्या, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।